चलो अच्छा इंक डाल रहा था मैं। ठीक, सो वी स्टार्टेड विथ स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर, वहां से स्टार्ट किया था जो हमने 11th में पढ़ा था, राइट। वी स्टार्टेड विथ स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर एंड एलसी ऑसिलेटर, राइट। एंड वी हैव सीन एनालॉजी बिटवीन देम, एंड देन वी हैव डिस्कस फ्यू फॉर्मूलाज, लाइक इफ एलसी ऑसिलेशन इज आर टेकिंग प्लेस, एक कैपेसिटर है चार्ज एंड देयर इज एन इंडक्टर, राइट। तो चार्ज इन द सर्किट, ये फुली चार्ज था एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड, इट कैरीड सम चार्ज, याद है ना, ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड क्यू इज क्यू कूलम एंड यू स्विच ऑन द, सॉरी क्लोज द स्विच, तो चार्ज करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, दे ऑल वेरी सिनुसॉइडली। दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, राइट। एनर्जी इज कंजर्व, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब टाइम पास चलता रहता है, करंट इसमें फ्लो होता रहता है, बट वेरिएशन जो होते हैं सब सिनुसॉइडल रहते हैं। चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑन कैपेसिटर इज कैपिटल क्यू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यू कैन ऑल्सो राइट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, द डिफरेंस विल बी इन फाइव। फाइव का मतलब होता है इनिशियल फेज, तो इट टेल्स अस टी इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना था, राइट। फिर उससे आप करंट निकाल सकते हो, वीसी निकाल सकते हो, वीएल निकाल सकते हो, यूई निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू भी निकाल सकते हो, ये सब हम कर चुके हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स रिकॉल डैम्पिंग इन ऑसिलेशंस। डैम्पिंग इन ऑसिलेशंस, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वी हैव स्टडीड दैट एनर्जी एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, याद है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, राइट। हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, सिंस द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कंजर्वेटिव, तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी वुड बी सेम, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, राइट। नाउ चक्कर यह है कि रियलिटी में वी हैव सीन एनर्जी इज लॉस्ट इफ आई टेक अ पेंडुलम एंड डिस्प्लेस इट अ लिटिल एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट, राइट। व्हाट वी ऑब्जर्व इन प्रैक्टिस, इट लूजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ग्रेजुअली एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। नो, सबने यही देखा ना। हेलो, हाँ सर, so all of us have seen कि ये स्प्रिंग ब्लॉक, सॉरी ये पेंडुलम है, इफ आई डिस्प्लेस इट अ लिटिल देन, भले यहाँ पे मुझे लगता है जैसे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है विच इज कंजर्वेटिव, बट नहीं, इसकी एनर्जी ग्रेजुअली कम होने लगती है, इट स्टार्ट्स लूजिंग मैकेनिकल एनर्जी एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, राइट। तो वह क्यों रेस्ट पे आता है, बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू ड्रैग फोर्सेस, कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, ड्रैग फोर्सेस, ये एयर है सराउंडिंग में, जब ये इधर जा रहा था तो एयर इस पे पीछे पुश कर रहे हैं, जब ये इधर आता है तो एयर इस पे पीछे पुश करता है, राइट। तो एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम होती जाती थी, राइट। हम बोलते थे SHM की पहचान क्या है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जो ड्राइविंग फोर्स है एक्चुअली वो सिर्फ और सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स है, बट इन एडिशन टू दिस माइनस के एक्स, इफ माइनस बी वी, हाँ इसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, माइनस बी वी फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, हाँ जितना तेज जाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो लेफ्ट साइड फोर्स होगा, लेफ्ट साइड जा रहे हो तो अपोजिट राइट साइड फोर्स होगा, तो माइनस बी वी इज ड्रैग फोर्स। इफ these two forces are acting on the object and the object is moving under influence of these two, then iska jo ma hai, that is d square x by dt square plus dv
v था dx by dt plus kx is equal to zero. ऐसा कुछ हमने differential equation लिखा था 11th standard में, right? And we have solved it, not solved it, actually सीधा solution लिखा था books में, because उसका solution higher syllabus में आपको पढ़ने मिलेगा. उसका solution होता था x is equal to a e raised to minus bt by 2m cos omega dash t plus phi, right? तो ये resulting amplitude था a e raised to minus bt by 2m. ये धीरे धीरे amplitude कम होता जाता था, right? This amplitude falls exponentially, decreases exponentially with respect to time. जैसे जैसे time बढ़ रहा है, देखो आप amplitude कम होता जाता, right? तो ये graph जो होता है इसमें जो amplitude है वो exponentially fall करता है, ठीक है? And जो इसमें omega था, that is not root of k by m. Instead, it was root of k by m minus b by 2 in the whole square. ऐसी कुछ कहानी लिख सकते हैं. ये हमने लिखा, ठीक है? Okay. Now see, let's come back to LC oscillator. So LC oscillator में we have made an assumption that no energy is lost. We have made an assumption in LC oscillator. डैम्पिंग नहीं होती. यहां भी हमने अस्यूम किया, क्यों? देयर इज अ कैपेसिटर, देयर इज अ इंडक्टर, नन ऑफ देम डिसिपेट्स हीट, या किसी में भी एनर्जी लॉस नहीं होता. टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टोटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज कॉन्स्टेंट. हर इंस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का टोटल कॉन्स्टेंट होता है, राइट? दिस इज वॉट वी हैव अस्यूम्ड, राइट ना? So we made an assumption, electrical energy plus magnetic energy remains constant. Why? कोई resistance नहीं है यहाँ पे. तो energy कौन खाता है? Energy loss कौन कराएगा? Resistance कराएगा. We don't have any resistance here. Capacitor का काम क्या है? To store electrical energy, to discharge electrical energy. What is the role of inductor? To store magnetic energy, to discharge magnetic energy. तो इनमें energy कोई खराब तो नहीं करता ना. वो रेजिस्टर था जो एनर्जी खराब करता था. क्यों? इसमें कोलिजंस होते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच में. इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. तो एनर्जी इज लॉस्ट इन रेजिस्टेंस, बट एनर्जी इज नॉट लॉस्ट इन कैपेसिटर इंडक्टर कॉम्बिनेशन. इन अ कैपेसिटर इंडक्टर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, ठीक है? तो होना क्या चाहिए? जो मैंने चार्ज कैपेसिटर लगाया था और उसको जीरो सेकेंड्स में ऑन किया, तो करंट इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा टिल इनफिनिट टाइम. सो इनफिनिट टाइम तक ये ऑसिलेशंस चलते रहने चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग एलसी ऑसिलेशंस. बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता. दीज एलसी ऑसिलेशंस डाई ऑफ सून. धीरे धीरे जो स्टार्टिंग में चार्ज कैपिटल क्यू लिया था, थोड़ी देर के बाद कम होने लगता है. जैसे क्यू का फॉर्मूला बना था कैपिटल क्यू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वी वर एक्सपेक्टिंग दिस क्यू टू बी रिमेन कांस्टेंट, बट ऐसा नहीं होता. धीरे धीरे कम होने लगता है, राइट? कैन एनीवन से क्यू कम होता होगा? मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया नहीं है. डू यू सी एनी रेजिस्टेंस हियर? सर इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस. वेरी गुड भाई. इंडक्टर भी किसी वायर का ही बना है ना. इंडक्टर इज मेड अप ऑफ वायर. वो वायर है भले कॉपर का, कितना भी कम रेजिस्टिविटी हो, बट कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, राइट? ये भी एक बड़ा लंबा वायर होता है, ऐसे 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 गूंद किया रहता है. तो क्या है? तो इट इज मेड अप ऑफ अ गुड कंडक्टर. कॉपर वायर का ही बना है, बट स्टिल इट विल हैव सम रेजिस्टेंस, नो? तो कुछ तो रेजिस्टेंस हो गई ना. सो यहां पे रेजिस्टेंस है, दो इट्स वेरी स्मॉल, बट यू कैन नॉट नेग्लेक्ट सम रेजिस्टेंस इज देयर. तो लेट अस अज्यूम कि ये जो वायर है, जिस वायर के ये मटेरियल, जिस वायर का ये बना हुआ, उस वायर का रेजिस्टेंस आर है. सी इंडक्टर इज जस्ट अ कॉइल, राइट? ये कॉइल है. तो ये कॉइल जिस चीज से बना है, कॉपर के वायर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, व्हाटएवर इट इज, तो उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा. दैट रेजिस्टेंस इज सपोज
R. Right? Correct, na? Yes. Hello. So, if I current flows at any instant in the circuit, then the rate at which heat is produced is given by formula one. I square RT. The rate की बात कर रहा हूँ. मतलब energy lost per unit time. So energy, if U be total energy, that is electrical energy plus magnetic energy. So total energy reduces with respect to time with formula du by dt is equal to minus x square. पहले हमने du by dt को zero लिया था, याद है? लास्ट लेक्चर में हमने du by dt को जीरो लिया था. अभी मैं du by dt को माइनस आई स्क्वायर आर लिख रहा हूं. व्हाई आई एम राइटिंग माइनस आई स्क्वायर आर? बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट एट दिस रेट. u इज टोटल एनर्जी एंड इट इज बीइंग रिड्यूस्ड एट दिस रेट. ठीक है, सो du by dt इज माइनस आई स्क्वायर आर. बट u क्या था? UE plus UB is U. UE कितना था? Half Q square by C. और ये कितना था? Half LI square is U. Differentiating both the sides again, तो half 1 upon 2 C 2 Q DQ by DT plus 1 upon 2 L 2 I DI by DT is equal to DU by DT. तो du by dt कितना हो गया? माइनस आई स्क्वायर आर. आ रहा है ना समझ में? कुछ ज्यादा तेज तो नहीं लिख रहा हूँ? नहीं सर, समझ रहा है. I plus L I D I by dt is equal to minus I square R. I gets cancelled. So I क्या होता है? dq by dt, तो इसको L d square q by dt square लिख लो. इधर माइनस का प्लस हो गया. आर एल सॉरी आई कितना हो गया? डी क्यू बाई डी टी लिख लो प्लस क्यू बाई सी लिख लो इज इक्वल टू जीरो. जस्ट ट्राई टू रिलेट इट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन. जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था, क्या लिखा था? एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो. यानी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं लिखा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ऐसा लिखा था. रिलेट करो, एक जैसे नहीं लग रहा है हमेशा की तरह. देखो क्यू चार्ज है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है क्यू, टाइम तो टाइम है क्यू, की जगह एक्स हो गया. इंडक्टेंस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जिया, मास इज मैकेनिकल एनर्जिया. तो ये और ये दोनों सेम ही होगा. एम की जगह एल. बी क्या था? बी वॉज ड्रैग फैक्टर और रेजिस्टिव फैक्टर, और आर यहां पे रेजिस्टेंस, सेम ही दिख रहे हैं. वहां पे के है, वहां पे वन बाय सी है, तो दोनों सेम नहीं हो गए? हेलो, बोलते नहीं यार, तो बड़ा अपसेट हो जाता हूँ. ये k अपॉन c kx कैसे हो गया? जी लास्ट लेक्चर में मैंने एनालॉजी दिखाई थी आपको. मास की जगह इंडक्टर होता है, पे इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस की जगह 1 / k होता है, qx की जगह पे q होता है, वेलोसिटी की जगह पे करंट होता है. उल्टा सीधा लिख दिया. वेलोसिटी की जगह पे करंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैग्नेटिक एनर्जी होता है. ये सब एनालॉजी बताया था ना. इसमें जहां जहां क्यू लिखा उसकी जगह एक्स कर दो, जहां पे एल लिखा एम कर दो, जहां बी लिखा वहां आर कर दो, जहां क्यू लिखा वहां, जहां वन बाई सी लिखा उसको के कर दो, तो एक जैसे नहीं हो जाएंगे दोनों? हाँ सर, समझ गया. इसका सोल्यूशन ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ रखा है. व्हाट वाज द सोल्यूशन? एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस बी टी बाई टू एम into cos omega dash t plus phi, where omega dash was omega dash is root of k by m minus b by 2m the whole square. ठीक है, चलो.
तो यहां पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, क्यू, चार्ज इज क्यू, ये एम्पलीट्यूड चाहते हैं, यहां मैक्सिमम कैपिटल ई रेस टू माइनस बी, बी की जगह आर है, एम की जगह एल है, तो क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू ई रेस टू माइनस आर टी बाय टू एल कॉस ओमेगा डैश टी प्लस, वेयर ओमेगा डैश इज रूट ऑफ के इज वन बाय सी, एम इज एल, तो एल सी, एम की जगह एल है, के की जगह आपने बोला था कि चार्ज का भी सिनुसॉइडल होता है, यही तो है, ये डैम्पिंग आ गया ना, अब एनर्जी लॉस हो रहा है, अब कुछ सिनुसॉइडल नहीं बचा, फिर भी अभी देखने में तो तुमने सिनुसॉइडल दिख भी रहा है, देखो ना क्यू इज समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग, नहीं दिख रहा, बट ये जो समथिंग है ये कॉन्स्टेंट है, ये अपना तकलीफ है, क्यों, बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट, सो टोटल चार्ज विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, टोटल चार्ज विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, वो कम होता जाए, ये सर ये सब एडवांस में, बेटा एडवांस छोड़ दो, इस पूरा चैप्टर से तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है, जेई में भी और बोर्ड्स में भी, बहुत रेयरली कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है, राइट, बट पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लें, रिलेट करके, इतना ब्यूटीफुली दिख रहा होगा कुछ बुक्स में सर, नीट में भी, नीट में भी सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, कुछ एक छोटे छोटे ट्रिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो, इसमें इतना बुराई कुछ भी नहीं है, इतना क्यों डर रहे हो तुम लोग, इलेवेंथ का याद नहीं इसलिए, चलो पहले देखो जाए, नाउ बी इज व्हाट, बी इज आर अपॉन ट्यूल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सो इसमें जो चार्ज है, चार्ज धीरे धीरे, टोटल चार्ज जो पहले ज्यादा हुआ करता था, अब धीरे धीरे चार्ज कम होने लगे, एक्सपोनेंशियली फॉल, सो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कम होने लगता, चार्ज जो पीक वैल्यू थी पहले ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम होने लगा, तो टाइम के हिसाब से चार्ज की पीक वैल्यू कम होने लगती है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर स्टार्ट्स डिक्रीज, ओके समझा, हाँ सर, गुड, ये कहानी हो गई, अब याद करो हम इस डैम्पिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करते थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू टू कॉम्पनसेट, रिकॉल, इसको हम लोग कैसे कॉम्पनसेट करते थे, बताओ जरा कैसे कॉम्पनसेट करते थे, किसी को याद है क्या, थोड़ा भी एनीवन, फोर्स लगाना है, सोर्स क्या लगाना है, सही एकदम बोलो, फोर्स, फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट, कोई तो एक फोर्स लगाना है, वो फोर्स कैसा लगाया था हमने, याद है, एक बार डायग्राम बता दो याद आ जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशंस टॉपिक था, हम ये जो एनर्जी लॉस होता था पेंडुलम का, उसके लिए मैंने याद करो एक एग्जांपल बोला था आपको, एक स्ट्रिंग है ऐसे सस्पेंडेड, तो अगर आप इसको ऑसिलेट करा के छोड़ दोगे बंद हो जाएगा, एक काम करो आप ऐसा मत करो, आप खुद ऐसा फोर्स लगाते रहो, जिंदगी भर ये ऑसिलेट करेगा, क्यों जिंदगी भर ऑसिलेट करेगा, आप उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ना, यू आर सप्लाइंग एनर्जी, यू आर कॉम्पनसेटिंग फॉर एनर्जी लॉस ड्यू टू डैम्पिंग, नहीं मजा आया, सब भूल चुके तुम, सी एक ऐसा पेंडुलम होता था ऐसे, अगर छोड़ दोगे आप ऑसिलेट करते करते रुक जाएगा, मैंने बोला था आप एक काम करो इसको घुमाते रहो ऐसे 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 घुमाते रहो, ये कभी नहीं रुकेगा, ऐसा घुमाने से हो क्या रहा है, एक्चुअली यू आर अप्लाइंग अ पीरियडिक फोर्स एफ जीरो कॉस ओमेगा डीटी, हम एक फोर्स लगा रहे हैं अलग से टू कॉम्पनसेट फॉर एनर्जी लॉसेस, जो एनर्जी ड्रैग फोर्स की वजह से गई वो एनर्जी आपके किसकी वजह से आ जाएगी, ये जो आप फोर्स लगा रहे हो ना, हेलो, हाँ सर, जो फोर्स आप लगा रहे हो उसका वर्क डन जो होगा उससे वो एनर्जी कम सप्लाई हो जाएगी, हाँ बोलो, हाँ सर, यहाँ पे दो ओमेगा इन्वॉल्व हो गए,
ये सब एक एक छोटी छोटी चीज है जो सुनोगे ना बाद में बहुत मजा है। ये चैप्टर हर कोई 99% स्टूडेंट्स बाय हार्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके से नहीं पढ़ते। आप इस तरीके से पढ़ो आपको रियली समझ में आएगा, विल बी एबल टू रिलेट। यहाँ पे जो रेजोनेंस था अभी, ये रेजोनेंस एसी में भी आने वाला है अल्टरनेटिंग, और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वो तो मतलब बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जेई में भी इंपॉर्टेंट होती है रेजोनेंस। तो वो रेजोनेंस और ये रेजोनेंस सेम है। फोर्स वाइब्रेशन होते थे, चलो पहले फोर्स वाइब्रेशन रिकॉल कराता हूं। फोर्स वाइब्रेशन होते थे जिसमें वी डोंट लेट द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट फ्रीली। आपने एक बार पेंडुलम को हिट करके छोड़ दिया, ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे एनर्जी लॉस होते जा रही है। आप उसको फ्री मत छोड़ो, आप क्या करो उसको फोर्स वाइब्रेशन, आप खुद से भी फोर्स लगाते रहो। जैसे बच्चा झूल रहा है, हम लोग रस्सी पकड़ के ऐसे खुद से फोर्स लगाते भी रहते, कंटिन्यूअसली लगाते रहते, सो दैट इट डज नॉट लूजेस इट्स एम्पलीट्यूड, राइट। सो यू ऑल्सो अप्लाई अ पीरियडिक फोर्स एंड दैट पीरियडिक फोर्स शुड बी सिनुसॉइड, राइट। तो ये जो रिजल्टिंग मोशन है तब जाके SHM बनेगा। अब यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व है, एक आपकी ओमेगा थी, दैट इज रूट ऑफ के बाय एम, ठीक। इसको बोलते थे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, याद आया? हाँ हाँ। और ओमेगा डी जो है ये है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है उस फोर्स की जो फोर्स मैं लगा रहा। सो ओमेगा डी इज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी विच वी अप्लाई अ पीरियडिक फोर्स। सो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी, जिससे हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट। एक पीरियडिक फोर्स मैं अलग से लगा रहा हूं, उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डी, ठीक है। इज इट नेसेसरी दैट ओमेगा डी एंड ओमेगा आर सेम, दोनों सेम होना जरूरी है? नहीं। हेलो, नहीं जरूरी है। मैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, मेरी अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। तो अब आपके पास कितने फोर्सेस लग रहे हैं? माइनस के एक्स जो रिस्टोरिंग फोर्स था, इसको बर्बाद करने के लिए बीवी आया, ड्रैग फोर्स जो एनर्जी खा रहा था, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक अलग से फोर्स आया एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। तो अब ये है नेट फोर्स, इसके इन्फ्लुएंस में जो रिजल्टिंग मोशन आता है दैट इज SHM, ये कॉम्पनसेट कर देता है जो आप फोर्स लगाते हो, राइट। आ रहा समझ में? हाँ सर। तो अब जो रिजल्टिंग मोशन आएगा, रिजल्टिंग मोशन इज SHM, मोशन इज SHM। सवाल ये है कि क्या उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, जैसे टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड है, आप टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड नहीं है। सवाल ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा या ओमेगा डी से? आप जो पेंडुलम है वो ओमेगा खुद की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा या जिससे मैं ऑसिलेट कर रहा हूं उस, जिससे आप, मेरी फ्रीक्वेंसी से। तो जो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी होगी, एक्चुअली स्टार्टिंग में तो कुछ अजीब सी फ्रीक्वेंसी होगी, रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा डी। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये टॉपिक मेरे को कभी नहीं समझता था, कब जाके समझ में आया, जब एक्चुअली एक्सीडेंटली मैं ऐसा पेन लेके कुछ तो हारमोनी में उसमें अपना एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, कुछ तो चल रहा था, पेंडुलम बैठा मैं ऐसे खेल रहा था, तब खेलते खेलते जाके मुझे रियलाइज, अच्छा ये है क्या। तो बस थ्योरी में पढ़ रखा था बट प्रैक्टिकली करके देखा नहीं तो रियलाइज हुआ नहीं कभी, मैथमेटिकली भी दिखता था बट कन्विंसिंग नहीं लगता। सो इनिशियली वो अजीब से ऑसिलेशन होते हैं, मैं ऑसिलेट कर रहा हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ, वो उधर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट थोड़ी देर के बाद हम एकदम सिंक हो जाता है, जैसे मैं करूंगा वैसे ही वो भी घूमने लगता है। मुझे उसके हिसाब से नहीं करना, मैं अपने हिसाब से करते रहूंगा, वो थोड़ी देर में अपने मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो जो रिजल्टिंग मोशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बाद में मेरी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड कितना आता है? तो एम्पलीट्यूड जो आता है दैट इज एफ नॉट अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये होता है, दिस इज एम्पलीट्यूड। समझा?
अब ये एम्पलीट्यूड में समझने जैसा क्या है भाई, आपने बस की तो उसमें कुछ समझना है नहीं, बस एक फॉर्मूला है लिखा हुआ आपको याद कर लो, ठीक। नहीं याद नहीं करना है, नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू रिमेम्बर दिस। अब यहाँ पे कहानी है, इस एम्पलीट्यूड वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हेलो करो, इज एम्पलीट्यूड वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आंसर इज नो, कहाँ वेरी कर रहा, टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं, नहीं, तो इट डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर इसमें ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है भाई, रूट ऑफ के बाय एम, वो तो उसके इलास्टिसिटी और दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसमें तो मैं खेल नहीं सकता, ये मेरे हाथ में है। इसको चेंज कराऊं तो क्या एम्पलीट्यूड चेंज होगा? हाँ, अगर ओमेगा डी को मैं बहुत कम रखूंगा तो ये वैल्यू लार्ज आएगी या छोटी आएगी? लार्ज। ओमेगा डी अगर मैं लार्ज आए, क्यों, सब ट्रैक कुछ हो ही नहीं रहा तो ओमेगा स्क्वायर पूरा रेस टू फोर हो जाएगा, ओमेगा रेस टू फोर बन जाएगा, तो ये तो लार्ज आ रहा है। अब ओमेगा डी अगर मैं बढ़ाने लग जाऊं तो क्या होगा, ये लार्ज आ रहा है तो डिनोमिनेटर लार्ज हो गया तो ये छोटी वैल्यू आएगी। इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग ओमेगा डी सो दैट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो ये नंबर कम होता जाएगा, एज अ रिजल्ट डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, एज अ रिजल्ट एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ओमेगा डी का वैल्यू ओमेगा हो जाएगा, उस टाइम में ये तो पूरा उड़ जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा एम्पलीट्यूड, उस केस में कितना बचेगा, एफ नॉट अपॉन रूट ऑफ सॉरी ओमेगा डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ओमेगा डी इनटू बी, सिर्फ इतना बचेगा, एम्पलीट्यूड वुड बी एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी इनटू बी, राइट। फिर और बड़ा किया मैंने ओमेगा डी को, और बड़ा किया, ओमेगा से भी ज्यादा कर दिया, तब फिर से कम होने लगेगा, बढ़ने लगेगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर फिर बढ़ेगा पगले, अरे ये जीरो हो गया था, अब कुछ नंबर आ जाएगा ना, भले ये माइनस है लेकिन स्क्वायर करने और प्लस नहीं हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर फिर बढ़ने लगेगा, एम्पलीट्यूड फिर कम होने लगेगा, कुछ ऐसा ग्राफ नजर आएगा आपको। ये एग्जैक्टली एक एक चीज अभी आपके अल्टरनेटिंग करंट में रिपीट हो गया, हेलो हाँ सर, ये वो पॉइंट है, ये एम्पलीट्यूड था, ये ओमेगा डी था, ये तब हुआ था जब ओमेगा डी का वैल्यू ओमेगा हुआ था, तो जब आप ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर कर देते हो तभी होता है रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड हो जाता है मैक्सिमम, याद आया, व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैचेस विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस और सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम मैक्सिमम एंड द फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस एंड ओमेगा डी इज ओमेगा एट दैट पॉइंट, ओमेगा डी बिकम्स रूट ऑफ के बाय एम। अच्छा, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बन गया उस पॉइंट पे, एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी इंटू बी, ये बन गया। अच्छा, इसी में एक और चीज करें, अगर बी को, बी इज व्हाट रेजिस्टिव फैक्टर, अगर रेजिस्टिव फैक्टर कम करते जाओ तो पीकनेस बढ़ती नहीं जाएगी, ये जो पीकनेस है बढ़ जाएगी अगर बी का वैल्यू मैं और कम करूं, अगर बी का वैल्यू जीरो ही कर दूं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, एंड बहुत नेचुरल है, क्यों, अगर बी है ही नहीं, रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं, ड्रैग हो ही नहीं रहा, एनर्जी लॉस हो ही नहीं रही, और इधर आप बराबर सिंक करके एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई किए जा रहे हो, बढ़ते 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 इनफाइनाइट हो जाएगा, आपने एनर्जी लॉस हो ही नहीं रहा, एनर्जी लॉस नहीं है, आप अलग से सप्लाई किए जा रहे हो, तो कभी ना कभी तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो ही जाएगा। बी स्टैंड फॉर व्हाट, ड्रैग फैक्टर, रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फैक्टर, तो वो है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं, ड्रैग है ही नहीं, इधर आप अलग से सप्लाई किए जा रहे हो, तो कहानी खत्म,
बढ़ते जाएगा एम्पलीट्यूड इनफिनिट हो जाएगा ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एलसी ऑसिलेशंस में। एलसी ऑसिलेशंस देखे हमने विच लुक्ड वेरी मच सेम एज सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है। फिर उसमें डैम्पिंग देखी हमने वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरह ही हो गए। सवाल ये है कि क्या एलसी ऑसिलेशंस में जो एनर्जी लॉस हो रही है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द मटेरियल ऑफ द इंडक्टर कैन आई कॉम्पनसेट फॉर दैट एनर्जी, क्या मैं वो एनर्जी कॉम्पनसेट करा सकता हूँ? एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमने देखा था एनर्जी लॉस होता है क्या? क्यू हमने देखा था कैपिटल क्यू ई रेस टू माइनस आर टी बाई टू एल कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, ऐसा था। एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ सर क्यू स्क्वायर बाई टू सी राइट, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो क्यू का स्क्वायर कितना हो गया? क्यू स्क्वायर ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल का स्क्वायर क्या था? अपॉन टू सी। तो ये चीज चेंज हो रही कि नहीं हो रही? एनर्जी लॉस हो रहा है ना? हाँ सर। टोटल एनर्जी का लॉस हो रहा है आपका क्यू स्क्वायर ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल अपॉन टू सी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एनर्जी लॉस होते जा रहा है मेरा। तो क्या मैं इस एनर्जी को कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? जैसे वहां पे तो फोर्स लगाया था, कैन आई डू समथिंग हियर? हेलो भाई, यहाँ पे एनर्जी कौन सप्लाई करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सप्लाई करता है? एमपीवी एमएससीबी है, गजब कर देते हैं। और किसी के मुंह से निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन देता है? वहां पे जैसे फोर्स लगा रहे थे, इधर क्या जोर से किक मार दूं क्या मैं एलसी ऑसिलेटर? चार्ज कौन सा सेल है? सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ ही तो था ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज और एनर्जी नीडेड टू सेंड 1 कूलम चार्ज वंस अराउंड द सर्किट। तो इसमें जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एडिशनल ईएमएफ लगा दो। जो कैपेसिटर आप लाए थे, जो इंडक्टर आपका लगा है जिसका खुद का कुछ रेजिस्टर है या एडिशनली रेजिस्टर लगा है, इसमें जो एनर्जी लॉस हो रही है वो एनर्जी लॉस ना हो उसके लिए आपको एक क्या लगाना पड़ेगा? सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब वो सोर्स ऑफ ईएमएफ कैसा हो? अगर सेल होगा तो थोड़ी देर में तो कैपेसिटर फुली चार्ज होकर कहानी को खत्म कर देगा, करंट ही बंद कर देगा वो, तो ये फुल चार्ज होकर चुपचाप बैठ जाएगा। मैं चाहता हूँ ऑसिलेशन चलते रहे, ये चलता रहे और जो एनर्जी लॉस हो रही बस उसको कॉम्पनसेट करूं। तो उसके लिए कैसा ये जी, आप चाहते थे कि ये पेंडुलम के ऑसिलेशन होते रहे तो आपने फोर्स लगाया, तो क्या आपने फोर्स ले लगा के ऐसे लगा दिया और टूट टाट के उधर चला गया, ऐसा हुआ था क्या कुछ? नहीं। फिर कैसा लगाया था फोर्स आपने? थोड़ा सा पर लगा के छोड़ दिया था। मत पकड़ यार, फोर्स्ड वाइब्रेशन में कहाँ लगा के छोड़ दिया, वो तो फ्री वाइब्रेशन में था, लगा के छोड़ दिया, बैठा हुआ हूँ और ये ऑसिलेट होकर धीरे धीरे मर गया। फिर बाद में मैंने पीरियोडिक सिनुसॉइडली वेरिंग फोर्स लगाया था। तो बस यहाँ पे भी एक ऐसा ईएमएफ लगाना है विच वेरीज सिनुसॉइडली। तो अब मुझे एक ऐसा वोल्टेज लगाना है इस पे जो हो देखने में कुछ ऐसा, ऐसा देखने वाला एक ईएमएफ लगाना है। नहीं मजा है? हेलो, सांप सूंघ गया क्या? बता, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई आपको, एकदम परफेक्ट रिलेट करके दिखाया सब। चुप, क्या हो गया बोलो ना। क्या पूछा सर आपने? हे भगवान, पता ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने वहां पे सिनुसॉइडली वेरिंग फोर्स लगाया था, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एनर्जी कॉम्पनसेट करने के लिए आप सिनुसॉइडली वेरिंग वोल्टेज लगा दो ना, ईएमएफ लगा दो। कांस्टेंट वोल्टेज नहीं लगाना है, जैसे वहां कांस्टेंट फोर्स लगा, वहां पे कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाया था, वैसे यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज नहीं लगाना। हुँ?
आपको लगाना है सिनुसॉइडली वेरिंग वोल्टेज या सिनुसॉइडली वेरिंग ईएमएफ. दिस विल सर्व द पर्पस और इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज. अल्टरनेटिंग वोल्टेज यही वो चीज है जो आपके बुक में पहले ही पेज पे लिख दिया है. बट क्यों अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कहां से आई कहानी, क्या ऑसिलेशंस हैं, वो सब चीजें कुछ दी नहीं हुई. तो एलसी ऑसिलेशन हमारे बुक में लिखा हुआ है बट लास्ट में थोड़ा सा लिखा हुआ है. बट एक्चुअली दिस इज राइट इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज. जैसे स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर होता है वैसे यहाँ एलसी ऑसिलेटर होता है. वहां पे एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू ड्रैग, यहाँ एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस. वहां पे कॉम्पनसेट करने के लिए वी हैव अप्लाइड अ सिनुसॉइडली वेरिंग फोर्स. यहाँ पे कॉम्पनसेट करने के लिए विल अप्लाई व्हाट, सिनुसॉइडली वेरिंग वोल्टेज और ईएमएफ. इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. फाई अगर यहाँ हटा दूं और आपसे पूछूं इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. नहीं, when t is equal to zero voltage is zero, when 1/4 of time period तो ये maximum em हो जाएगा, फिर half the time period ये pi हो जाएगा zero, फिर 3/4 of time period minus em, फिर full time period वापस zero. तो ये sinusoidally varying voltage हो जाएगा. इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज और सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. कुछ समझा? हाँ सर. हाँ सर. वेरी गुड. तो सबसे पहला सवाल है कि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगा कहाँ से, लाए कहाँ से हम ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो इसका सोर्स क्या है, वॉट इज सोर्स ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. बहुत अच्छे से पढ़ना घर पे, रिवाइज करना और रिलेट करना कैसे कैसे प्रॉब्लम हमारी आई थी. एलसी ऑसिलेटर, डैम्पिंग, फिर फोर्स वाइब्रेशन, दैट इज मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी अलग से. ठीक है, तो वैसा रिलेट करना मजा आएगा. ओके, सो सबसे पहला सवाल आया कि भाई वो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा डी टी लिख देने से थोड़ी ना होता है, आपको लाना भी तो पड़ेगा ना, कहां से लाऊं. सो उसके लिए है हमारे पास एसी जनरेटर, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था. अगर आपको याद हो एसी जनरेटर क्या होता था, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट टी इक्वल्स टू जीरो, देयर इज अ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल है, एट टी इक्वल्स टू जीरो वो कैसा रखा हुआ, फील्ड इज नॉर्मल टू इट. फिर इसको मैंने रोटेट करा अबाउट दिस एक्सिस विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड, राइट, इसको घुमा रहा हूं. तो टी सेकेंड्स में नॉर्मल चला गया इधर, टी सेकेंड्स में नॉर्मल हो गया इधर, कितना एंगल बना लिया, थीटा. सो ओमेगा स्पीड से इसको घुमा रहा हूं. जब थीटा बना रहा एंगल कौन, फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विथ नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन, तो उस पर फ्लक्स कितना पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज हाउ मच, फिर साफ सुन गए. जब फील नॉर्मल के साथ, सॉरी बी डी एस कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ठीक, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एन बी ए कॉस थीटा, A stands for area of the coil, N is number turns, and B is uniform magnetic field. So N B A cos theta. Theta as a function of time, क्या होगा? Angular velocity आपके पास पड़ी हुई है? Omega. Omega t. So theta as omega t, the cos omega t. Let's name it as omega d. ठीक? अच्छा एक बार ये बोलना भूल गया, यहाँ पे फिर से मैं omega और omega d लिखूँगा बार-बार. क्यों ये क्यों लिख रहा हूँ? ये क्यों लिख रहा हूँ? ये ओमेगा कहीं देखा क्या पहले आपने? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस चीज की? एलसी ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं हम लोग.
ये ओमेगा दिखाया था लास्ट लेक्चर में। हेलो चलो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो ये भी जो सोचा वो भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। सो एन बी ए कॉस ओमेगा डी टी, ये फ्लक्स हो गया। इज इट टाइम वेरिंग फ्लक्स, ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो क्या इसमें ईएमएफ जनरेट होगा? नेचुरली ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस कॉइल इज गिवन बाय फॉर्मूला माइनस डी फाई बाय डी टी फैराडेज लॉ। तो डिफरेंशिएट कर दो भाई इसको, एन बी ए कॉस का माइनस साइन ओमेगा डी टी इंटू ओमेगा, सो एन बी ए ओमेगा डी टी साइन ये क्या है? ये सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट है। एन इज वॉट नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज वॉट मैग्नेटिक इंडक्शन, ए इज वॉट एरिया ऑफ द कॉयल, ओमेगा डी इज वॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉयल। ये सारे चीजें तो कांस्टेंट अगर मेंटेन्ड है तो ये हो गया आपका ई नॉट साइन ओमेगा डी टी। अगर स्टार्टिंग में एंगल मैंने टी नहीं लिया, सॉरी जीरो नहीं लिया होता, कुछ और लिया होता, तो मुझे देखने में साइन ओमेगा डी टी प्लस वो जो एंगल एक्स्ट्रा होगा वो देखता, तो ई वुड बी ई नॉट साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। मतलब इस कॉइल के दो टर्मिनल्स, इस कॉइल के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, दैट इज वेरिंग सिनुसॉइड, दैट इज सिनुसॉइडल वोल्टेज एंड इज गिवन बाय फॉर्मूला ई नॉट साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, वेयर ई नॉट इज एन बी ए ओमेगा डी। इज इट क्लियर? यस सर। पक्का आ रहा है ना सबको समझ में? हाँ सर। सर हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, स्लिप रिंग लगाते थे हम दो, याद है? स्लिप रिंग यूज करते थे, इनको बोलते थे स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग यूज करते थे और इसको फिर आप लोड से कनेक्ट कर दो, ये वायर ब्रश होता था यहाँ पे। खैर ये सब तो अभी 12th में जरूरत नहीं, सब 10th में पढ़ा था। तो घूमता जाएगा ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज सिनुसॉइडली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो टाइम के हिसाब से वेरी होता रहेगा। क्लियर है? हाँ सर। गुड। तो ये है वो वोल्टेज जो हमने जरूरत थी किसके लिए, जो एलसी ऑसिलेटर में जो एनर्जी लॉस हो रहा था उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे वहां पे हमने दो फ्रीक्वेंसी देखी थी, कौन सी ओमेगा एंड ओमेगा डी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, याद है? नहीं याद है? रूट ऑफ के बाई एम अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिया था। हाँ सर। और ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, ये तो अपने हाथ में जितना जोर से घुमाना घुमा हुआ टाइम पास करना करो। सो ओमेगा इज व्हाट नेचुरल फ्रीक्वेंसी रूट ऑफ के बाई एम, किसकी? स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी रूट ऑफ के बाई एम। के वॉज प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, एम वॉज प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉक, तो स्प्रिंग और ब्लॉक में जो ऑसिलेशन हो रहे थे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी रूट ऑफ के बाई एम। फिर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हमने डाली थी ओमेगा डी। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी एलसी ऑसिलेटर की कुछ फ्रीक्वेंसी है, बताओ कितनी थी? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेटर ओमेगा किससे रिलेट किया था। अच्छा यहीं से बता दो, के एनालॉगस क्वांटिटी क्या होती है? के एनालॉगस क्वांटिटी एलसी ऑसिलेशंस में क्या होती है? 1/c। 1/c। और एम के बदले में क्या होता है? चार्ज। भूल गया इंडक्टेंस एल। अरे मत तो कर यार, क्यू की जगह चार्ज था, आई डी क्यू बाई डी टी की जगह वी डी एक्स बाई डी टी था, रिवाइज करो। एम की जगह, एम इज इनर्शिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होता है, दैट इज एल।
तो के का वैल्यू 1 बाय सी एम का वैल्यू एल, तो ओमेगा इज 1 बाय रूट एल सी, याद आया? एल सी ऑसिलेटर की एक खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय रूट एल सी। एक एल सी ऑसिलेटर जिसमें सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हैं, वो उसमें चार्ज और सब चीजें सिनुसॉइडली वेरी करती हैं, किस फ्रीक्वेंसी से? इस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या रेजिस्टर लगा दिया तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी? भाई 1 बाय रूट एल सी नाम की एक चीज तो बनी हुई है ना, एल तो है ही ना, रेजिस्टर लगा हुआ तो क्या हुआ, इंडक्टेंस है ना। जान ले लो यार तुम लोग भाई, रेजिस्टर लगा है तो क्या हुआ, इंडक्टेंस तो है ना, एल तो है ना, कैपेसिटर लगा है तो सी तो है ना। तो इन दोनों के साथ आप जो मर्जी लगा दो भाई, 1 बाय रूट एल सी कुछ एक चीज तो है ही है, वो चीज हमेशा के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो दो ड्यूरिंग डेरिवेशंस वी हैव शोन 1 बाय रूट एल सी एज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी ऑसिलेटर, बट इफ यू कनेक्ट वन रेजिस्टर ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट, देन ऑल्सो देर इज अ टर्म 1 बाय रूट एल सी विच विल बी डिफाइंड, एंड दैट टर्म इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी ऑसिलेटर। समझा? हाँ सर। हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें रेजिस्टर नहीं लगाया था, राइट, एल सी ऑसिलेटर दिखाया था, सिर्फ एल और सी लगाया था, और उससे डिराइव करके दिखाया था ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी। तो ये क्या बना रहा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी था। तो क्वेश्चन है क्या अभी भी नेचुरल, यस बिल्कुल रहेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आर लगाने से 1 बाय रूट एल सी थोड़ी ना बदल जाएगा, एल तो वही है सी वही है। तो दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज रिमेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी ऑसिलेशंस इवन इफ एडिशनल कंपोनेंट दैट इज रेजिस्टर is connected along with L and C. ठीक है, तो ओमेगा क्या हो गया आपका, एल सी ऑसिलेटर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो फिर ये ओमेगा डी क्या है, ओमेगा डी यहां पे जो कॉइल घूम रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। अरे कहां कॉइल दिखेगा मुझे, ठीक है, तो जो सिनुसॉइडली वेरिंग वोल्टेज लाओगे आप उसकी फ्रीक्वेंसी, जो बाहर से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आप ला रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने ओमेगा डी से डिनोट किया, और उसको बोलते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं समझा? समझा, शाबाश। तो यहां पे भी जैसे वहां पे दो फ्रीक्वेंसी थी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, यहां पे भी जो है एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेटर और एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मतलब कौन भाई, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मतलब जो आप कॉइल घुमाओगे वहां पे, कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में टू प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी जो घूमने की फ्रीक्वेंसी है। इन इंडिया दिस इज 50 हर्ट्ज, यूएस में 60 हर्ट्ज, अलग अलग जगह पे अलग, नहीं तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो आप जनरेट करोगे एसी जनरेटर से, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? प्लीज इसको रिवाइज करना, पुराने टॉपिक्स भी अपलोड हो गए हैं, एक बार रिवाइज कर लेना वहां से भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सुनोगे तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा, रिवाइज करोगे तो और अच्छा लगेगा। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट टाइम सब रिवाइज करके आना, छोटे से दो लेक्चर तो हैं, छोटे छोटे दो लेक्चर हैं, उनको रिवाइज करो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मेन टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं उनको पढ़ते हैं। चलो।